हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो आप सभी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जब फटाफट जाकर के डाउनलोड कर रहे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो जिसका एग्ज़ाम जो है ना वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है कि एप्लीकेशन नंबर खो गया है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ना ही फॉरगेट का ऑप्शन है, ना कोई अदर ऑप्शन है। तो किस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना है वो भी इजी मेथड से पूरा वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा आप काम करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जिस वजह से 100% श्योर आपका जो है ना एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है जिसका एप्लीकेशन नंबर खो गया था। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस ईमेल आईडी से ईमेल करना है बीएससीबी के वेबसाइट को, उसके बाद किस क्या क्या डिटेल्स डालना है, क्या क्या ऐसा जेन्युइन चीज लिखना है जिस वजह से आपका एप्लीकेशन नंबर वो फटाक से आ जाए। मैंने जब किया था तो उसका 5 मिनट के अंदर एप्लीकेशन नंबर आ चुका था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाया हूँ। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका एप्लीकेशन नंबर फाइंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको जो है ना बीएससीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये डीएलएड का एग्ज़ाम जो है बीएससीबी कंडक्ट इस बार करवा रही है। तो सीबीटी एग्ज़ाम, यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, तो सीबीटी एग्ज़ाम बीएससीबी के थ्रू लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे डीएलएड का किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। डीएलएड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका एक ही मेथड है कि एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड करने वो कर पाएंगे, अन्यथा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, 100% बताता हूँ कि 100% श्योर कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास ज़रूर आएगा और आप निश्चित ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सिंपली उसके बाद करना क्या है, आपको जो है करना क्या है, आपके पास क्या क्या जरूरी है, आपका ईमेल आईडी, जो फॉर्म भरते थे ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ईमेल आईडी उसमें दिए थे उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है बीएससीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल मेल पे आपको एक मेल सेंड करना है और दूसरा मेथड यहाँ पे फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर बिल्कुल लगता नहीं है, नॉट रीचेबल हो बताता है या फिर बिजी बताता है, तो ये मेथड काम नहीं कर रहा है। तो मैं 5 मिनट के अंदर मैं अपना फाइंड किया हूँ। तो आप पूरा प्रोसेस में देखिए कि इस पे आप क्या ऐसा मैसेज करेंगे कि आपको एप्लीकेशन नंबर तुरंत 5 मिनट के अंदर मिल जाए, वो मैं लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, और उसके बाद करना क्या, आपको सीधा ईमेल आईडी पे चले जाना है। तो चलिए इतना ईमेल आईडी पे मैं सीधा जाता हूँ। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम जो को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आ करके जो है ना यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी आप दिए थे फॉर्म भरते टाइम वो डालना है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है bscb.helpdesk@cbtexam.in जो दिया हुआ है, ये आपको 2 में जा करके लिखना है। जो ये मैं ईमेल आईडी किस पे मेल करना है, ये हेल्प डेस्क करके जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके कॉपी कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स लिखना है कि सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ डालने के बाद उसके बाद नीचे लिखना आई लॉस माई एप्लीकेशन नंबर, सो प्लीज़ प्रोवाइड माई एप्लीकेशन नंबर, ये सारा कुछ लिख दीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपको जो है लिखने के लिए मैं इसका भी जो है ना इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हूं, तो वहां पर जा करके आप कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट ये सेम टू सेम मत कीजिएगा, यहां पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे एडिट करके अपना डाल लीजिएगा। तो ये कर लेना है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर में जो आइकन आपको सेंड वाला आइकन दिख रहा है, ये सेंड वाला जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे ब्लू वाला, इसको सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में जो है यहाँ पे मेल रिटर्न रिप्लाई तुरंत जस्ट आ गया, जिस मेल से मैंने मेल किया था उस पर जस्ट रिप्लाई आ गया और एप्लीकेशन जनरेट भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं भर के बताता हूँ, आप देख सकते हैं साफ साफ कि बिहार डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लॉस्ट, प्लीज़ सेंड दिस फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सारा कुछ है। उस यहाँ पे देखिए आपका हेल्प डेस्क की तरफ से, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का मेल आया हुआ है।
इसके नीचे जो है यहाँ पे ना आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ अपना डाल करके जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। और फिर भी कोई क्वारी या क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट करें, मैं अवश्य हेल्प करूँगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, सबसे पहले जानकारी वहाँ आती रहती है। वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके जो भी फ्रेंड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे जल्द से जल्द शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।